ओम शांति। आज की मुरली स्पेशल है, वैलेंटाइंस डे 1992। तो बाबा 13 फरवरी को आए और इस मुरली का टाइटल भी ऐसा ही है, अनेक जन्म का प्यार संपन्न, जीवन बनाने का आधार है इस जन्म का परमात्मा प्यार। लेकिन इस मुरली में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम पहले देखेंगे। भक्ति मार्ग में हमेशा हमने ये सुना था और ये चर्चा होती रही है कि परमात्मा में लीन होना उसका एक बहुत महत्व माना जाता है, और कई धार्मिक व्यक्ति ऐसा भी समझते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य भी यही है कि परमात्मा में लीन हो जाएं और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। तो ऐसी मान्यता जो बनी है, ये मान्यता क्यों बनी है और ज्ञान के हिसाब से इसका क्या मीनिंग है, आज की मुरली में बाबा ने हमें ये काफ़ी गहराई से बताया है। तो इसको हम बहुत ही एकाग्रता से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से समझते हैं, बाबा ने कहा कि जैसे विज्ञान की शक्ति अग्नि के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं, लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे, इसमें हाँ नहीं कहा, सिर्फ लव है इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। तो बाबा बता रहे हैं कि अगर आप किसी को भी कहते हो कि हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वे समझते हैं, वो बीकेएस को समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त हो के लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त होना। तो जो अंडरलाइंग सेंस है लीन होने का, वो है बंधनों से मुक्त होना। इसीलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊँचा मानते हैं, यानी भक्ति में समा गए अर्थात लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार तो प्राप्त किसी को होती भी नहीं है, होती ही नहीं है, राइट? बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं, उन्होंने की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और आप लीन भी हैं और अनुभूतियाँ और प्राप्तियाँ भी हैं। तो काफ़ी गहरे गहरे राज हैं ये लीन अवस्था के बारे में, इसको मैं बहुत फोकस करके समझने। तो पहली बात है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, कंसेप्चुअली वो पॉसिबल नहीं है, और उनके लीन अवस्था और हमारी लीन अवस्था, इसमें कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया है, इसमें अनुभूतियां भी हैं, प्राप्ति भी है। तो आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समझ जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समझ जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समझ जाते हो, तो कुछ और याद रहता है, बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए। तो हम सबको कहीं ना कहीं जीवन में यह अनुभव बार बार हुआ होगा, जब बहुत अच्छा योग लगता है तो जैसे कि बाबा और हम एक ही हो जाते हैं, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं, समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना, कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो, क्या समझते हो? या कर्म योगी स्थिति अलग बैठ करके लीन हो सकते हो, मुश्किल है? तो लक्ष्य क्या है, कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो, इतने होशियार हो गए हो। तो कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है। कर्मयोगी स्थिति में लीन क्यों होना है, बाबा उसका महत्व बता रहे हैं।
क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो आप अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो लेकिन बाप की मदद है ही उमंग उत्साह देने वाली, हिम्मत देने वाली और अथकपन की शक्ति देने वाली। तो ये लाइन भी हमें याद रखनी है, बाबा की मदद हमें तीन चीज़ें देती है, उमंग उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति। जिस कार्य में उमंग उत्साह अथवा अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। बाप हाथों से काम नहीं करते लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती, प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाना, हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। ऐसी ऐसी लाइन्स को आपको जरूर डायरी में नोट कर लेना चाहिए, ये वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एज इट इज हमें याद करना है, नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। ये है सच्चे प्रेम की अनुभूति। ऐसा हमने दादी जानकी जी में भी देखा, राइट। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहां है तू ही तू है, वह सर्वशक्तिवान ना ही है लेकिन बाप तो सर्वशक्तिवान है, साकार शरीरधारी नहीं है लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं, ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव, साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना, लवर अर्थात सदा सहज योगी। तो बाबा की डेफिनेशंस भी कमाल की हैं, इसीलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, तो बैलेंस का अर्थ ही है समानता। किस किस में समानता हो? याद, तपस्या और सेवा में समानता हो, शक्ति और स्नेह में समानता, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो, तो कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो अलग बैठने की स्थिति में समानता हो, तो ये समानता का बैलेंस जो है ये रखना ही है। तो ये भी हम अलग से पॉइंट नोट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए स्पेशल डायरेक्शंस हैं कि हमें क्या क्या करने। तो जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वह मान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं तो सर्वे शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ये वर्ष तो पक्के हो गए हो ना।
अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं। सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें तो पास तो होना ही है। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्मयोगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर तो वैसे ही हो ही जाएंगे। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में वैसे ही होगा। तो आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। तो खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना। पुरुषार्थ की प्रलब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रलब्धी हो, तो सहज शब्द दोनों में जुड़ा है। लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे, अभी हीरे हो। इतने ध्यान से समझने की बात है। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है व सदा प्यार का दिन है, तो यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल है। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे यह सजावट तो कुछ नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हो तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं, यानी होस्ट बोलते हैं गेस्ट के लिए। और यहाँ पे तो गेस्ट आके खुद ही बोलता है। तो बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसीलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा है। तो इसके बाद है याद प्यार, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आज की मुरली की शुरुआत की कुछ बातें। तो ये कौन सा समय है? सर्व प्राप्तियों का, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व प्राप्तियों का और संबंधों के अनुभव का मेला है, और ये बीज डालने का समय है। प्राप्ति का समय है, बीज डालने का समय है। और लवलीन स्थिति क्या है वो हमने अभी समझी। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं है सिर्फ साथ है, लेकिन साथी भी हैं, कार्य में साथ निभाते हैं, मददगार हैं। और बाप की जो मदद है वो अथकपन की शक्ति देती है। अथकपन फिजियोलॉजिकल या फिजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल या मानसिक लेवल पर भी है। चलते चलते हम थके नहीं। और जो लवलीन स्थिति वाली आत्मा है उसकी स्थिति कैसी होती है? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। और बाबा ने कहा कि ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल रचाए जाते हैं, उनको देख के हम हर्षित रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा, आज सर्वशक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। कौन आया है? सर्वशक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर। तो यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। तो इस मिलन की क्या क्या महिमा है? तो यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मावतम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है।
सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन बना रहे हो और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो व अलग रहते हो, बाप और आप साथ रहते हो, तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से वे अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते हैं, ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने चाहे, किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी होना। तो आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और सिर्फ एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, क्योंकि प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं, और जो लवलीन आत्माएं हैं ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो, किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। इसके बाद हमने पढ़ा था ये, तो ये रूहानी मिलन की विशेषताएं और लीन होने का हमने गहरा मतलब समझा। जब हम लव में लीन हो जाते हैं तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, सदा सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को संगम युग के श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यार के सागर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। तो विशेष क्या अभ्यास करेंगे आज हम? प्यार के सागर में लवलीन होने का अनुभव बढ़ाते जाना है। हम सबने जब से बाबा के हम बने कभी न कभी ये अनुभव किए ही हैं। उन अनुभवों को याद करेंगे कि कैसे हम प्यार के सागर में समाए थे, कैसे हमने लीन स्थिति का अनुभव किया था। वो अनुभव अब हमें फिर से बढ़ाना है। प्यार के सागर में लीन होने का अनुभव फिर से बढ़ाना है। अगर आप इस बात के लिए एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। लव में लीन होना है, ये आज की मुरली का टेक अवे है। ओम शांति।